वेलकम टू माय चैनल मजहर मेउ। सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मजहर मेउ। आइए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि PSL की काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आई हुई हैं, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा टाइम, मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और अभी भी मैं शायद 2-3 दिन तक कोई अपडेट आप लोगों को नहीं दे सकूंगा। मंडे को आके मैं अपने चैनल को दोबारा रनिंग में लेके आऊँगा, दोबारा अपडेट देनी शुरू करूँगा। तो जाते हुए मैं एक लास्ट अपडेट दे रहा हूँ और इसमें मैंने इसी वीडियो में, हालांकि कोई जिक्र नहीं करना चाहिए मुझे इस वीडियो में उन PSL की वीडियोस का, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए मैं बताता चलूं कि आगे ये एक बांग्लादेश लीग है, बांग्लादेश लीग, बांग्लादेश से लीग नहीं सॉरी, बांग्लादेश से पाकिस्तान का मैच वो शेड्यूल तय हो गया है और जिसमें मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज को निकाल दिया गया है और उनकी जगह मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक को इन कर लिया है और हारिस राउफ को कर लिया है और नए बॉलर है मोहम्मद हसनैन, यानी कि नई टीम में एक अच्छे तरीके से तैयार की है और दो पुराने खिलाड़ियों को इंटर किया है, शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज को। और बांग्लादेश से हमारी लीग होगी और T20 मैचेस भी हैं इनसे, और भी बहुत सी अपडेट हैं, लेकिन मैं मंडे से आगे इंशाल्लाह आपको अपने चैनल पे सारी अपडेट्स दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही मैंने कहा ये अपडेट मैं देता चलूं। तो अब ये अब बात कर लेते हैं इनकी पॉइंट टेबल की, बिग बैश लीग पॉइंट टेबल की। पहले नंबर पर फ्रेंड्स मेलबोर्न स्टार्स हारिस राफ्स की टीम है, इसने 10 मैच प्ले किए, 9 विन 1 लूज 0 ड्रा, 18 इसके पॉइंट है, इसका रन रेट +1.254 है। दूसरे पर सैडनी सिक्सर, इसने भी 10 मैच प्ले किए, 6 विन 3 लूज 1 ड्रा, 13 इसके पॉइंट्स, का रन रेट वो सेम ही है -0.003। तीसरे नंबर पर ब्राइसमैन हीट है, इसने 9 मैच प्ले किए हैं, 5 विन है 4 लूज है 0 ड्रा है, 10 इसके पॉइंट, का रन रेट +0.192 है। चौथे नंबर पर पर्थ स्कॉर्चर चली गई है, इसने 10 मैच प्ले किए, 5 विन 5 लूज 0 ड्रा, 10 इसके पॉइंट, का रन रेट -0.070 है। और पांचवे नंबर पर फ्रेंड्स एडिलेड स्ट्राइकर्स हैं, इसने 9 मैच प्ले किए 4 विन 4 लूज और 1 ड्रा, 9 इसके पॉइंट, का रन रेट +0.232 है। छठे नंबर पर सैडनी थंडर है, इसने 10 मैच प्ले किए, 4 विन है 5 लूज है 1 ड्रा है, 9 इसके पॉइंट है, इसका रन रेट -0.057 है। सातवें नंबर पर हुबर्ट हॉरिकॉन्स हैं, इसने 10 मैच प्ले किए, 3 विन 6 लूज 1 ड्रा, 7 इसके पॉइंट है, इसका रन रेट -0.890 है। और शायद कि हमारी दुआ रंग ले आई। और आठवें नंबर पर मेलबोर्न रेनेगेड्स है, इसने भी एक मैच जीत लिया, 10 मैच इसने प्ले किए, 1 विन 9 लूज 0 ड्रा, 2 इसके पॉइंट, इसका रन रेट -0.671 है। तो यही अपडेट है। और दोबारा हम बात करते चलें कि मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक वापस आ गए खेलने के लिए, तो इसी वीडियो में मैंने बता दिया आप लोगों को ये पॉइंट्स टेबल की अपडेट है। और लेकिन मैं मंडे को आऊंगा, कहीं मैं काम जा रहा हूं और मंडे को आके मैं आपको नेक्स्ट अपडेट वो दूंगा, सारी पॉइंट्स टेबल की भी अपडेट अब मेरे चैनल पर आपको मंडे को ही मिलेगी। और अभी इनके मैच हैं भी काफी बाकी, तो अभी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अभी बस जो कंफर्म बाहर टीम हुई है वो मेलबोर्न रेनेगेड्स ही बाहर हुई है, और जो कंफर्म आगे गई हैं वो मेलबोर्न स्टार्स हैं। मेलबोर्न स्टार्स कंफर्म आगे चली गई हैं, इस ये अब बाहर जाने वाली नहीं है, कोई मैच भी नहीं जीतती ये फिर भी आगे हैं। तो बस अब तक ये अपडेट, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।